हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो हाथ में पकड़ेंगे तो लगेगा एकदम प्रीमियम है। प्लस इसका प्रोसेसर भी आप लोग हाई परफॉर्मेंस वाला देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोग गेमिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। प्लस जो काम करते हैं, मतलब हाई ग्राफिक्स वाले जो भी काम करते हैं मोबाइल में, उसको भी अच्छी तरह से रन कर देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सौरभ झा और आप देख रहे हैं सौरभ झा एज़ ए चैनल को। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन का नाम है दोस्तों माइक्रोमैक्स की नोट वन, जो कि माइक्रोमैक्स कंपनी आप लोगों को पता होगा बंद हो चुकी थी, बट अब इंडिया में माइक्रोमैक्स फिर से वापस आ चुका है अपना धमाकेदार फ़ोन लेकर, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट वन, जिसमें आप लोग ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि क्या बताऊँ यार, वो भी बजट में। जैसा इसका बजट है उससे भी हाई इसमें परफॉर्मेंस मिलता है फ़ोन में। तो चलिए बिना देरी किए आप लोगों इसका पहले प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग प्रोसेसर बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आप लोग को मिलेगा गजब का, मतलब गेमिंग पर गेमिंग वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आप लोग गेम मस्त खेल सकते हैं दोस्तों। तो अब जब गेम खेल सकते हैं तब तो प्रोसेसर बताना बनता है यार। तो इसमें आप लोगों को जो प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा यार, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो एक गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है, मीडियाटेक हीलियो G85 बजट फ़ोन। प्लस हाई ग्राफिक वाला आप लोगों को प्रोसेसर भी मिलता है इसमें। आप लोग को ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर ऑक्टाकोर बेस्ट रन करता है। 2 GHz की इसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड है दोस्तों। एंड्रॉयड 10 पे ये रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एंड्रॉयड 10 है दोस्तों। मतलब मैं बात करूँ तो इसमें जो आप लोगों को प्रोसेसर मिलता है वो मस्त मिलता है, क्योंकि ये गेमिंग प्रोसेसर आप लोग जाके यहाँ गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर मेरी बात आप लोग गलत लग रही है तो। ये तो बात होगी दोस्तों इसका प्रोसेसर का। अब इसका डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। डिस्प्ले आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। फुल HD प्लस IPS इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। मतलब क्या ही बात, इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, मतलब सब कुछ हाई है यार। धूप में भी आप लोग रखेंगे इस फ़ोन को तो यार, मतलब डिस्प्ले एकदम इतना ब्राइट है कि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये तो हो गया डिस्प्ले की बात दोस्तों। डिस्प्ले आप लोग बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। प्लस दोस्तों, इसमें आप लोग सारे वो फंक्शन देखने को मिलते हैं कैमरे में। चार आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है। रियर में आप लोगों को 4 कैमरा देखने को मिलता है। जो आप लोगों को प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है वो 48 MP प्लस 5 MP का प्लस 2+2 डेप्थ माइक्रो आप लोगों को सारे कैमरे मिल जाते हैं, 4 कैमरा। प्लस आप लोग प्राइमरी कैमरा फीचर्स की बात करो तो दोस्तों, इसमें आप लोग AF रियर कैमरा में मोड मिलता है दोस्तों, जिससे कि आप लोग का जो भी क्लिक करेंगे फ़ोटो वो मतलब मस्त आएगा। AI क्वाड रियर कैम का सेटअप है और ये क्लैरिटी वाइज आप लोगों का फ़ोटो को इन्हेंस करके देगा दोस्तों। और फ्रंट कैमरा आप लोगों को 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है दोस्तों, विथ सेल्फी कैमरा दोस्तों। आप लोगों को रियर में भी LED फ्लैश देखने को मिलता है और फ्रंट में भी आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, बट वो स्क्रीन फ्लैश है दोस्तों, ऐसा कुछ मतलब आगे में फ्लैश नहीं है, क्योंकि इसमें जो आप कैमरा का पोजीशन वो इन डिस्प्ले में कैमरा है, कैमरा उसका गोल टाइप का कैमरा है। और इसमें बात करो दोस्तों, इसमें आप लोगों को अच्छा खासा बैटरी भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करो तो आप लोगों को इसमें बैटरी बहुत बड़ी मिलती है। तो अब बड़ी बैटरी मिलती है क्योंकि दोस्तों इसमें डिस्प्ले भी बड़ा है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो बैटरी कैसे छोटा मिलेगा। तो 5000 mAh की इसमें बैटरी है दोस्तों। तो 5000 mAh की बैटरी है तो आप लोगों लगे मोबाइल आप लोगों का भारी है, बट मोबाइल भी भारी नहीं है दोस्तों। मात्र मोबाइल जो आप लोगों का 196 ग्राम का है, 196 ग्राम कोई भारी नहीं होता है आप लोगों को, जैसे कि पता हो, क्योंकि अच्छा खासा प्रोसेसर वाला फ़ोन है। प्लस आप लोगों को फुल HD प्लस इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी का सपोर्ट मिलता है, आप लोग को 6.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है दोस्तों। यहाँ तक तो ठीक था, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, उसके साथ आप लोग 18 W का फास्ट चार्जर भी आप लोग को बॉक्स में देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, 18 W का इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है और 18 W का फास्ट चार्जर आप लोग को बॉक्स ही में देखने को मिल जाएगा। मतलब कोई कमी नहीं है, मतलब माइक्रोमैक्स लौट के आया है तो एकदम धमाकेदार, मतलब ऑफर भी लेके आया है फ़ोन में यार, मतलब गजब का है। और मतलब अपना क्वालिटी को एकदम इन्हेंस करके आया है, मतलब पूरा एकदम हाई, एकदम ठूस ठूस के सब कुछ मोबाइल में भर दिया है। तो जैसा इसका प्राइस वैसा उससे भी आगे ही मतलब इसने काम किया है सब में, मतलब
मैं क्या ही बताऊँ यार इसमें, मतलब इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट डिस्प्ले, सॉरी फिंगरप्रिंट आप लोगों को डिस्प्ले में नहीं मिलता दोस्तों, आप लोगों को रियर में मिलेगा, बट क्वालिटी बहुत अच्छा है फ़ोन का। तो आप लोग सेंसर की बात करते हो, फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर, मतलब सारे सेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं इसमें। आप लोग हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है दोस्तों, बाकी सारे इसमें आप लोग मिल जाते हैं फंक्शन, 4G+4G, GPRS, मतलब जो भी होते हैं 3G 2G सब सपोर्ट करता है ये। 3.5mm का ऑडियो जैक तो आप लोग को सपोर्ट मिलता है दोस्तों। इंफ्रारेड सेंसर आप लोग इसमें नहीं मिलता है, बाकी आप लोग सारे फंक्शन मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 पे रन करता है, और क्या ही बताओ यार, 4G 3G, वाईफाई, 8 GPRS सब कुछ इसमें सपोर्ट करता है। तो ऐसा कोई इसमें मतलब कमी की तो बात नहीं है। पीछे की बैक पैनल की बात करो तो बैक पैनल भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ इसका बैक पैनल आता है दोस्तों। और चार चार कैमरा आप लोग को मिलता है मस्त, जहाँ पर पोजीशन पर सेट किया गया वो मस्त, मतलब लुक एकदम इन्हेंस कर देता है, गजब का क्वालिटी देता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को इसका डिस्प्ले बता दिया, बैटरी बता दिया, प्रोसेसर भी बता दिया, अब प्राइस बताने का टाइम आ गया। तो इसका प्राइस है दोस्तों 4GB 64GB वाला वेरिएंट का 10,999, 10,999 इसका मात्र प्राइस है। बाकी इस प्राइस में क्या मिलता है दोस्तों, इसमें आप लोग एक गेमिंग प्रोसेसर वाला फ़ोन मिल जा रहा है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और फटाफट जाके इसे परचेज कीजिए, फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को जल्दी से मिलेगा दोस्तों, जल्दी आने वाला है ये, कुछ ही दिनों मतलब कुछ ही दिनों में इसका सेल स्टार्ट होने वाला है। फ्लिपकार्ट पे आप लोग जाइए, चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों इसका 10,999 प्राइस है, गजब का फ़ोन है, फटाफट जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का रिव्यू आप लोग को पसंद आया होगा, गेमिंग फ़ोन का रिव्यू किया मैंने तो थोड़ा सा, तो लाइक बनता है या लाइक कमेंट जरूर कर दे आपके प्यारे चैनल सौरभ जैसे को। चलिए मिलता हूँ ऐसे रिव्यू और स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोनों के साथ। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।